ओके सो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। इसको इन शॉर्ट केवीएल भी बोल दिया जाता है ना, क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। हमने पहला पढ़ा था क्रिचॉप्स करंट लॉ, दूसरा क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें से देखिए, जो ये हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो सकते हैं, है ना। क्या क्या, रजिस्टर हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है ना, और भी सारे। और जो इसका यूज है या जो हम बात करना चाहते हैं वो ये देखिए, सपोज ए बी सी एंड डी, ये जो बॉक्सेस हैं अगर ऐसा है प्लस और माइनस वी वन, इसका मतलब ये है कि यहां से बी से नॉर्मल वायर का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बी से अगर अपन सी जानते हैं तो जो ये बॉक्स है ना ये हायर और ये लोअर है, ये ऐसा डिवाइस है। आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि अगर बैटरी मानते हो तो ये ऐसा है, समझ रहे हैं। हाँ रजिस्टर मानेंगे तो ये आपका रजिस्टर जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, और करंट फिर किधर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में, तभी तो हायर से। तो ये कुछ भी हो सकता है, आप फॉरगेट अबाउट इट, प्लस माइनस भी वन। ऐसा हो सकता है कि यहां पर माइनस हो और यहां पर प्लस हो और ये भी टू, मतलब यहां से बस आपको साइन का ध्यान रखना है कि अगर माइनस से प्लस जा रहा है मतलब वी टू से बढ़ेगा, प्लस से माइनस मतलब इतने का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। सिमिलरली ये जो है ऐसा है ना, चलिए आप इसको जैसा भी चाहें, चलिए हम लोग प्लस माइनस वी थ्री लिख लेते हैं और इसको हम लोग प्लस माइनस ऐसा करके वी फोर लिख लेते हैं। एज पर नोटेशन ये हायर है, ये लोअर है, ये लोअर है, ये हायर है, ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिवाइस। नाउ क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ क्या कर बोलता है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप इज व्हाट, जीरो। हाँ जी क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा लिखें डेल्टा वी और ये ड्रॉप लिख रहे हैं पूरा नेट, तो ये आपका जीरो आएगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं ना, अगर मैं बात कर रहा हूं लूप ए बी सी डी की, हाँ जी, तो देखिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं ए से, या आप चलो बी से अगर मैं लिखना चाह रहा हूं, तो ड्रॉप लिख रहे हैं, ये सही बात है कि इतने का ड्रॉप हुआ है, तो आप इसको लिखोगे प्लस में वी वन ड्रॉप। ध्यान से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप का, इतना ड्रॉप हुआ है, सही बात है। आप या ऐसे करेंगे ए से नहीं लिख रहे हैं हम लोग, बी से लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लूप कंप्लीट कर लेना, पूरा घूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ड्रॉप ये राइज है, तो आप इसको ना माइनस में वी टू लिखेंगे, ये ड्रॉप है बिल्कुल वी थ्री लिखिए, ये अगेन राइज है तो ये माइनस में वी फोर लिखेंगे इक्वल्स टू जीरो, नेट पोटेंशियल ड्रॉप ये जीरो एज पर दिस लूप। नाउ दूसरा ऐसा भी बोलते हैं, नेट पोटेंशियल गेन इन अ लूप इज अगेन व्हाट, जीरो। यस, जितना बढ़ेगा वो भी जीरो होता है। अगर हम ऐसा लिखें डेल्टा वी गेन, हाँ जी, वो भी नेट जीरो आएगा एक लूप में। अगर हम लूप की बात कर रहे हैं आपका, चलिए बी सी डी ए है ना, तो पहला अगर हम लोग गेन लिख रहे हैं तो ये ड्रॉप है ना, तो माइनस वी वन लिखोगे, ये गेन है, सही बात है,
बढ़ा है, ये ड्रॉप है तो हम लोग माइनस में लिखेंगे, घटा है तो अगेन ये गेन है, माइनस से प्लस इसको प्लस में लिखिए, ये जीरो होना चाहिए। समझे? देखो जैसा हमने करंट वाला लॉ लिखा था सिमिलर वे में ऐसा ही चल रहा है। और आप ना ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इन अ लूप, हाँ जी, ये डेल्टा भी ड्रॉप जितना आएगा वही डेल्टा भी आपका गेन भी आएगा, हाँ जी। क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन, समझे? हाँ, ना लिख लीजिए। अगर हम लोग ड्रॉप लिख रहे हैं तो पहला मेरा ड्रॉप V1 है, ये तो गेन है, आप उस तरफ लिखिए V2, ये ड्रॉप है, ड्रॉप को इस तरफ लिखिए, ये गेन है। ये देखो इक्वेशन चाहे जो भी हमने लिख रखा है ना, सब आपका सेम ही है। मैं बोलूंगा ना, हम एक इसी को लेके चलते हैं और हम इसी को लेके चलते, सभी को ड्रॉप ही लिखेंगे और इन अ लूप, क्लोज लूप आ जाएगा ना। अगर हम बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे होता है, तो ध्यान दो क्या है ना कि प्रिंसिपल ऑफ केवीएल क्या बोला जाता है, केवीएल इज, हाँ, क्या वर्क डन बाय, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ क्लोज लूप इज व्हाट, जीरो, क्यू इंटू डेल्टा वी होना चाहिए। हाँ, क्यू कॉमन ले लीजिए एंड दिस इंप्लाइज कि डेल्टा वी जो होता है नेट वो आपका जीरो, समझ रहे हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इसी क्यू को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आप समझ रहे हैं कि यही हमारा क्या आ जाता है, करंट, ठीक है। तो करंट तो सेम ही है, हाँ, करंट आप बाहर निकाल लो डेल्टा वी आ जाएगा। प्रिंसिपल केवीएल का ये होता है, राइट ना। बात आता है हम इसका यूज कैसे करेंगे, है ना, लिखते हैं एक दो क्वेश्चन सिंपल। एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं, फाइंड द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, यस ना। देखिए हम ना इसको, आप देखिए और भी तरीके हैं, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग पढ़ जाएं तो और फास्ट भी हो सकता है, या बैटरी का कॉम्बिनेशन भी होता है, वो सब अगर पता चल जाएगा तो बहुत आसानी से बहुत फास्ट कर सकते हैं। बट जो हमने अभी पढ़ा है उसको अगर हम लोग अप्लाई करें,
है ना। तो देखिए आप ना कोई एक करंट का डायरेक्शन मान लो, वो ऑटोमेटिकली अगर नेगेटिव आया मतलब हमने डायरेक्शन उल्टा मान रखा है। चलिए मैं इसको इस तरीके से मान लेता हूं। क्यों मानना चाहिए, उसका रीजन ये है ना कि बैटरी का तो नहीं लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल जो है वो घटता है अक्रॉस द क्या रजिस्टर। तो ये जब तक हम डायरेक्शन करंट का नहीं लिखेंगे ना तब तक वो हमें लिखने में सही नहीं रहेगा या कंफ्यूजन होता रहेगा। तो मेक श्योर कि जब भी रहे तो आप करंट का डायरेक्शन लिख ही दीजिए एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप लिख दो V इक्वल्स टू आई आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्रॉप होता है, यहां भी आपका ड्रॉप समझ रहे हैं प्लस माइनस 3 आई। हाँ नाउ लूप की बात करोगे चाहे तो आप यहीं से लिख लीजिए ए बी सी डी। हाँ और हम लोग लिखते हैं क्या ठीक है ना, ये रेड वाला जो भी चीज है आप सॉल्यूशन में लिखिएगा। नाउ इन लूप चलिए ए बी सी डी हम लोग बात करते हैं। डेल्टा वी ड्रॉप जो आएगा पूरा वो जीरो होना चाहिए। पहला ही देखिए ये ए से ही स्टार्ट कर रहा हूं है ना, ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से ड्रॉप है प्लस से बैटरी के हायर टर्मिनल से कहां लोअर टर्मिनल, तो ये ड्रॉप है तो प्लस में लिखिए। रेजिस्टेंस वाला तो बाय डिफॉल्ट सारा ड्रॉप होता है, गेन है तो आप इसको माइनस 15 लिखेंगे। ध्यान से माइनस से प्लस बड़ा है ना, और हम लोग क्या लिख रहे हैं ड्रॉप, ये भी ड्रॉप है। जिसको आप लिख रहे हो ड्रॉप उसको प्लस लिखो, गेन वाले को माइनस लिखो, ये भी ड्रॉप, ये भी ड्रॉप, ये गेन 5 वोल्ट हाँ हायर वोल्टेज ही है ना, अगेन गेन सॉरी ये गेन था ये लॉस है, प्लस में 2i इक्वल्स टू 0 राइट। नाउ हमारा लूप हो गया है ना, आंसर भी हो गया, लिख लीजिए कितना आ रहा है 15i इक्वल्स टू 10 हाँ जी यही आ रहा है, i की वैल्यू आ गई 10 बाई 15 दैट इज 2 बाई 3 एम दैट्स ऑल। यस नाउ देखिए जो क्वेश्चन हमारा केवीएल से हो रहा है उसमें केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं या हम अब बोले ना, तो देखिए जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है समझ रहे हैं व्हाटएवर उसमें नॉट की रेजिस्टेंस और बैटरी तक ही केवीएल और केसीएल जो है ना हाँ ये आपका रेजिस्टेंस और बैटरी नहीं, हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हर डिवाइस के साथ अप्लीकेबल है। जंक्शन पर केसीएल लगाइए क्रिचॉफ्स करंट लॉ और आप जो केवीएल हमने लिखा है वोल्टेज लॉ आप इसको इनर लूप लगाइए है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और आप इसको दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको केवीएल से सॉल्व करके बता दे रहा हूं और बात बाकी जो है आप उसको ट्राई करके देख लीजिएगा। देखिए इसको भी 1 ओम 2 ओम और 2 ओम लिखते हैं है ना, और 10 50 चलिए एक यहां भी जोड़ लिया जाए थर्टी वोल्ट
हाँ अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, लिखता हूं ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके ऐसे बोल सकते हैं, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। आप ऐसे सवाल, एक मैंने बताया था केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करके, मैं आप इसको दोबारा केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं केवीएल अप्लाई करके बता रहा हूं और कैसे लिखेंगे, लिखते हैं। देखिए क्या करना होता है, पहला तो हम लोगों को जो भी है करंट अगर मानना है तो आप मान लो हाँ, और लूप देखो, अगर मैं बात करता हूं कोई भी करंट, अगर चलो इससे मैं मान लेता हूं कि ये करंट मेरा आई है, अब जानते हैं आई है, और अगर ये इधर चला गया आई वन हाँ, तो नेट यहां पर जो इधर जाने वाला है वो आई में से किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करके आई माइनस आई वन लिख सकते हैं ना, बोलिए बिल्कुल सी पर अप्लाई कर दिया, आई जा रहा था इसमें से आई वन तो इधर हाँ। अब इसके करंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लिख दो, प्लस माइनस आई आर, हाँ जी ध्यान से ये बहुत जरूरी बात है, हाँ जी प्लस माइनस टू आई वन हाँ बिल्कुल हो गया हमारा, अगर इतना बोलिएगा तो ना, मैं लूप को दो लूप में कंसीडर करता हूं, एक इसको मैं लूप मान ले रहा हूं, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि कितने लूप हमें मानने चाहिए और इसका क्या सिग्निफिकेंस है या कैसे ट्रीट करा जा सकता है, ठीक है ना। एक ये लूप हम मान लेते हैं और एक ये वाला भी लूप आप मान सकते हो हाँ, या मैं बोलूं एक बड़ा वाला जो लूप है हमारा, हम इस पूरे की बात कर रहे हैं एल, पता है जो आप एल वाला लिखोगे ना वो एल वन प्लस एल टू ही आएगा, हाँ जी क्या जो भी हम पोटेंशियल ड्रॉप और क्या गेन कुछ भी लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल ना, मैं आपको एल वन एल टू लिख देता हूं और आप जो है ये एल लिख लेना पूरा बड़ा वाला, दोनों को जोड़ दोगे वही मिल जाएगा आ जाएगा, लिखते हैं पर क्या ठीक है। चलिए तो लूप हम लोग बात करते हैं L1 जो कि है A B C F A, डेल्टा V ड्रॉप और नेट लिखेंगे जीरो होना चाहिए, यहां से पहला ड्रॉप I into 1, राइज है माइनस टेन, ड्रॉप है ये भी ड्रॉप ही है मान ली, प्लस से माइनस ना 30 तो प्लस में लिख लेंगे, एफ पहुंच गए, एफ और ए का कोई ड्रॉप नहीं है नॉर्मल वायर है, ए पहुंच गए काम खत्म जीरो, हाँ जी आप यहां से इक्वेशन को इसको जो भी मानना है चलिए हम लोग मान लेते हैं। नाउ लूप टू मैं लिखता हूं और कहीं से भी चलिए सी से चलिए एफ से चलिए, आप एज पर द लूप जो डायरेक्शन है वही लिखिएगा, तो मैं लूप लिख रहा हूं एल टू और ये जो है लूप एल टू में सी से सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी ड्रॉप जीरो होना चाहिए, पहला गेन है माइनस से प्लस ना माइनस 50, ड्रॉप है 2i1 हाँ बिल्कुल, ये यहां से यहां अगेन ये गेन है माइनस 30, ये भी गेन सॉरी गड़बड़ हो गया है, ये डायरेक्शन में प्लस से माइनस होना चाहिए ना, ये माइनस हाँ ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में हम लोग माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये गेन है तो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस में ये आएगा 2i माइनस i इक्वल्स टू जीरो, ये
हाँ, मैं क्या बोल रहा था ना, आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो एल मिल जाएगा, मतलब लूप बड़ा वाला। देखिए क्या है, ना 192 को जोड़ोगे और हम लिख सकते हैं इन लूप एल ए बी सी डी ई एफ ए। अगेन डेल्टा भी ड्रॉप आप लिख दो और वो जीरो आएगा टोटल। पहला ड्रॉप ही है आई इन टू वन, दूसरा आपका जो है गेन है माइनस टेन, थर्ड भी आपका गेन है माइनस 50, हाँ जी माइनस से प्लस जा रहा है बढ़ रहा है, लॉस है 2i1, हाँ बिल्कुल 2i1, यहां आ गए पहुंच गए, बस जीरो हो गया। आप इन दोनों को आई होप जोड़ना, ये चीज आ जाएगा, यहां से आ रहा है i प्लस 2i1 इक्वल्स टू 60। आप इसको थर्ड मान लीजिए या यही चीज 1+2 होगा भी, आप जुड़ दो है ना। ना आप किसी एक को सॉल्व कर दीजिए, आई की वैल्यू यहां से निकाल के हम किसी एक में रख देते हैं आई वन आ जाएगा, या आई वन की वैल्यू निकाल के रख दो तो आई आ जाएगा। तो हम फिलहाल आई को 1 में रख देते हैं, आई इक्वल्स टू 60 - 2i1 एंड फ्रॉम हम 1 लिखते हैं, तो आई हो गया आई वन, आई को हटा देना है ना सॉरी, तो 60 - 2i1 माइनस 10 प्लस 2, आई की वैल्यू 60 - 2i1 माइनस 2i1 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। हाँ जी I1 को एक तरफ और इस तरफ, तो ये आ गया आपका 60 - 10 प्लस में 120 प्लस 30, 60 - 10 120 30, इन सबको इस तरफ ले जाते हैं तो 2i प्लस 4i1 प्लस आपका 2i1। हाँ जी तो ये आ गया अपने को 8i1 की वैल्यू, हाँ कितना रहा 200, यस i1 आ गया 25। हाँ जी बिल्कुल, एंड दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1, 2, 3 जो भी लिखना है, थर्ड जो लिख रहे हैं From 3, I equals to 60 - 2 × i1, यानी कि 25, यानी कि 10। दोनों प्लस आया है, मतलब हमारा दोनों सही है, ऑटोमेटिकली आएगा है ना। ना आप इसको ना बिल्कुल करंट लॉ अप्लाई करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था इसका कुछ पोटेंशियल मान लेना, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा एंड ट्राई की सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला कि जो हमारा बेसिक था करंट का, जितनी भी वो सारी चीजें टॉपिक हमने पढ़ लिया है और इन्हीं का अब एप्लीकेशन आएगा। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, फिर बैटरी, फिर और भी चीजें 1 by 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का अब आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके।